दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th सर ये कला कुटुंब संस्थान आर्ट मेनिया के तत्वाधान में रामगंज थाना पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने एक चित्रकला जागरूकता अभियान चलाया है जिसमें लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो अपने घर से बिना वजह बाहर नहीं निकले अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हम लोगों ने चित्रकारी के माध्यम से ये संदेश दिया है कि घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जो राजस्थान पुलिस है अजमेर पुलिस है या इंडिया में जितने भी कर्मचारी हैं चाहे वो मीडिया कर्मी हो चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट हो वो सब लोग अपना घर परिवार छोड़कर सिर्फ हमारे लिए सड़कों पर आए हुए हैं तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए उनके साथ में किसी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज ये पेंटिंग के माध्यम से एक छोटा सा संदेश जो है देना चाहे आम लोगों को कि आप लोग घर में रहें सुरक्षित रहें और कानून की पालना करें। पेंटिंग कितने दिन लग गया आपने यहाँ पे? सर ये हम लोगों ने कल स्टार्ट करी थी ये 2 दिन लगे हम लोग इस पेंटिंग को करने के अंदर। इस पेंटिंग में क्या बनाया सर जो लोगों को संदेश देना चाहते हैं? सर इस पेंटिंग के अंदर हम लोगों ने एक तरफ इंडियन पुलिस चाहे भारतीय पुलिस कोई से भी स्टेट की हो उसको दिखाया है कि वो लोगों को जो है रोक रही है कि आप अपने घरों में रहो क्योंकि हम लोग वाक सड़कों पे हैं आपके सुरक्षा के लिए। दूसरी तरफ हमने एक दिखाया है डॉक्टर्स हैं जो वायरस को रोक रहा है जो जिस तरह से जो बीमारी फैली हुई है उसको रोक रहा है। दूसरा दिखाया है इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पूरा उसमें पेंटिंग में दिखाया है कि आप बाहर इकट्ठे ना हो। उसके अलावा घरों में रहने का हम लोगों ने मैसेज दिया है कि आप घरों में रह सकते हैं। आज ये पेंटिंग कहाँ बनी आज? ये सर हमने शुरुआत की रामगंज थाने से रामगंज थाने चौराहे से। जी सर अभी शुरुआत है और इसके आगे कल हम लोग शायद हो सकता है कल या परसों जोनगंज से शुरुआत करेंगे। आपका नाम? शमशेर खान। बस तो फिर और क्या करना था? बता क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा? एक डिग्री भी लेगी मैं।